एक लड़का रेलवे स्टेशन पर बैठा है। यह नहीं जानता कि पीछे ट्रेन आ रही है। दोस्त रास्ते से हटने के लिए उस पर चिल्लाता है, लेकिन अगले सेकंड मेलिंडा सोचती है कि यह लड़के का कोई मजाक है। लेकिन लड़के का कहना है कि वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। मेलिंडा लड़के के पीछे देखती है। आत्माओं को देखने की क्षमता होते हुए उसे अचानक पता चलता है कि उसके सामने वाला लड़का मर चुका है। जब मेलिंडा अपना सिर घुमाती है, लड़का गायब हो गया है। घर आने के बाद मेलिंडा ऑनलाइन जाती है। उसे पिछले साल के अक्टूबर का अखबार मिलता है। एक निजी कार ट्रेन से टकरा गई थी और जो मर गया वो वही लड़का है। जिम, उसका पति, समझता नहीं है, पूछता है मेलिंडा ने इस बेचारे लड़के की मदद करने का फैसला किया, अन्यथा वो हमेशा प्रतीक्षा में रहेगा। अगले दिन मेलिंडा रेलवे स्टेशन आती है। केनी अभी भी वही है। Maybe she doesn't know where to look. Maybe it's time to find her. मेलिंडा की कार में लटकी मकड़ी में केनी को बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि उसकी माँ की कार में भी वैसी ही थी। लेकिन जब वो इसे नीचे लेना चाहता था, उसकी माँ बहुत गुस्सा होती थी। जल्दी से वे माँ के कार्यस्थल पर पहुँच जाते हैं। कुछ देर पूछने के बाद पता चलता है कि आज माँ कोर्ट जाती है काम करने नहीं। कोर्ट के दरवाजे पर मेलिंडा केनी की माँ को रोते हुए देखती है, लेकिन लड़का सोचता है कि उसकी माँ अभी भी उस पर गुस्सा है। मेलिंडा तत्काल इसके बारे में और जानना चाहती है, इसलिए वो लड़के को उस प्राचीन वस्तु की दुकान में ले जाती है जो वो चलाती है। वो एंड्रिया को मदद करने के लिए कहती है। लड़का क्यों नहीं जान पाता कि वो मर चुका है? अगर वो उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद नहीं करती है, वो कभी शांति से नहीं मर सकेगा। एंड्रिया पास जाती है, केनी को नमस्ते कहती है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो गलत दिशा में देख रही है। केनी को लगता है कि यह बहुत अजीब व्यक्ति है। मेलिंडा सिर्फ इतना कहती है कि एंड्रिया अंधी है। मेलिंडा को केनी के घर का पता मिल गया है। वो स्पष्ट करती है कि वो क्यों आई है। बेशक वे मेलिंडा पर विश्वास नहीं करते हैं। पिता सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कपटी मानसिक बीमार है, लेकिन माँ फिर भी उत्साह से उसका स्वागत करती है। मेलिंडा का कहना है कि उनका बेटा हमेशा से उनका इंतजार करता रहा है। लड़का नहीं जानता कि वो मर चुका है। अगर वो चाहती है तो वो लड़के से बात करने में उसकी मदद कर सकती है। यह सुनकर केनी की माँ हैरान रह जाती है, लेकिन उसने अभी भी मेलिंडा को मना कर दिया, क्योंकि वो सामना करने की हिम्मत नहीं करती उस पुरानी कहानी का जो उसका दिल तोड़ देती है। मेलिंडा असहाय है। वो केवल अपना व्यवसाय कार छोड़ सकती है और निराश होकर चली जाते हैं। घर लौटने के बाद मेलिंडा अपने परिवार के सदस्यों के साथ रात का खाना खा रही है, जब लिविंग रूम में टीवी अचानक चालू हो जाता है। मेलिंडा केनी को देखने के बाद वो जल्दी से अपने पति से मिलवाती है और जिम को लड़के को हेलो कहने के लिए कहती है। अगली सुबह केनी के पिता प्राचीन वस्तुओं की दुकान में जाते हैं। वो मेलिंडा को चेतावनी देता है कि वो उसके परिवार के सदस्यों को परेशान न करे। उस दिन से उसके जाने के बाद उसकी पत्नी हमेशा रोती रहती है। वो सोचता है कि मेलिंडा पैसे के लिए मृत व्यक्ति का उपयोग कर रही है। इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी केनी का दोस्त स्टोर पर आता है। वो मेलिंडा को बताता है कि अब से वो दोबारा रेलवे में खेलने के लिए बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी माँ कहती है वो बच्चा जींद नहीं है। लेकिन केनी काउंटर के पीछे खड़े होकर कहता है, I am too real. You are not. Mom says you're just in my head. इस बात को लेकर दोनों बच्चों में जोर जोर से बहस होती है। केनी मेलिंडा को यह साबित करने के लिए कहता है कि वो आत्मा नहीं है। मेलिंडा के बोलने का इंतजार नहीं करती। I am not a girl. Kenny? मेलिंडा जल्दी से उसका पीछा करती है। वो लंबे समय तक खोजती रही, आखिरकार केनी को मिल गया। मेलिंडा उससे पूछती है, Do you know what it means to die? My turtle died. I woke up and he wasn't there anymore. I was looking for him and my dad had told me he died. He flew him away. I never got to say goodbye. Is that what's going to happen with me? Everyone will remember you, Kenny. So I won't get to see them again? Mommy and Daddy and my sister? You get a chance to say goodbye. But I don't want to say goodbye. Then I'll be alone. इस समय मेलिंडा की सास अचानक प्रकट होती है। मेलिंडा अपना सिर घुमाती है। उसके बगल में केनी गायब हो गया है। दोनों अपने घर जा रहे हैं। उसकी सास ने एक वैसा ही मकड़ी वाला किचन खरीदा है। मेलिंडा अपना सिर घुमाती है कांच के पीछे केनी को देखकर।
वो अपनी सास को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, लेकिन केनी यहाँ बिल्कुल नहीं है। उसी समय केनी घर आ जाता है, अपनी माँ के चेहरे के पास झुककर कहता है, माँ अपने बेटे को महसूस करने लगती है। केनी अपने पिता के कमरे में भी जाता है। Are you waiting for me? I'm here. I'm home. Daddy, I'm sorry. I didn't mean to leave you. Don't cry, Daddy. वो अपने पिता को दिलासा देना चाहता है, अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन पिता चुपचाप बंदूक उठा लेता है। और ठीक है, तो मेलिंडा और एंड्रिया केनी को खोजने की जल्दी में है। वो केनी के माता पिता के फोन नंबर पर कॉल करती है। केनी के घर पहुंचने पर माँ इतनी जल्दी में है कि इंतजार नहीं कर सकती। कहते हैं कि वो केनी को साक्षात महसूस करती है। मेलिंडा केनी को कमरे में पाती है। केनी उसे बताता है कि उसके पिता कुछ गलत करना चाहते हैं। माँ कहती है कि उसका पति 10 मिनट पहले बाहर गया हुआ है। मेलिंडा पूछती है कि उस साल क्या हुआ था। उसके मन में एक दयनीय स्मृति कौंधती है। उस रात उसने 2 बच्चों को घर ले जाने के लिए कार चला रही थी। केनी हमेशा कार पर मकड़ी वाली चाबी के लिए चिल्लाता रहता है। माँ ने अपने पति को बताने के लिए फोन किया कि कार पहले ही 2 बार खराब हो चुकी है। पति बहुत गुस्से में कहा कि वो रिपेयरिंग के लिए कार ले गया था, कार कोई समस्या नहीं थी। इसके तुरंत बाद कार फिर से ठीक रेलवे की पटरी पर खराब हो गई। तभी अलार्म बजता है। माँ अपनी छोटी बेटी को लेकर भाग गई, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया उसने पाया कि उसका बेटा फिर से कार में जा रहा है उस मकड़ी वाली चाबी लेने के लिए। कहानी सुनने के बाद मेलिंडा अनुमान लगाती है कि केनी के पिता बदला लेने के लिए बुरे कार विक्रेता को ढूंढ रहे होंगे। दूसरी तरफ केनी ने अपने पिता को देख लिया है। पिता सीधे कार से उतर जाते हैं, फिर दुष्ट कार विक्रेता के साथ लड़ाई करने लगते हैं। सौभाग्य से मेलिंडा का पति समय पर आ जाता है और पिता को रोकता है, लेकिन अगले ही पल पिता ने बंदूक निकाल ली। मेलिंडा जल्दी से उसे रोकने के लिए आती है और केनी के संदेशों को दोहराती है। वो उसे सिखाता था सभी बुरी चीजों को एक बड़ी गेंद में लपेटकर फिर जोर से मारना है, इसे चांद लात मारकर चांद पर फेंक दो। लड़के को उम्मीद करता है कि वो अब भी ऐसा ही कर सकते हैं। यह सुनकर दुखी पिता चुपचाप रोता है और अपनी बंदूक नीचे रख देता है। केनी दौड़ता है और उसे आश्वासन देता है। कुछ समय बाद मेलिंडा केनी को घर ले जाती है अपनी माँ को अंतिम अलविदा कहने के लिए। मेलिंडा उसे बताती है कि उसका बेटा अब आत्मा की शांति पा सके। लड़के ने हमेशा यह मानता है कि वो अब भी उस पर गुस्सा है। माँ जल्दी से कहती है कि यह सब उसकी गलती थी, उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे कार में नहीं बैठने देना चाहिए था। इस समय माँ जल्द ही खामोश होकर रो रही है। केनी अपनी माँ के सिर को थपथपाता है, उसे दिलासा देता है। I don't want you to be scared because it is so beautiful. And Grandma will be waiting. And Stubby? Yes. तभी केनी को एक सफेद रोशनी दिखाई देती है। मेलिंडा उसे बहादुरी से कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। केनी माँ के गाल को चूमता है। I love you, mommy. I know this is He's gone. Isn't he? Yes. He's gone. That your love is gone.